नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने मुल्क की अहम इन्फॉर्मेशन दुश्मन को देने वाले फौज के रिटायर्ड जवान सौरभ शर्मा और ISI एजेंट बताए गए अनस गीतोली याकूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मुलजिम सौरभ ने पैसों के लिए फौज से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजी थी। NIA को दोनों मुलजिमीन के पास से टेरर फंडिंग का भी सबूत मिला था। उत्तर प्रदेश ATS ने सिग्नल मैन सौरभ शर्मा रिटायर्ड को लखनऊ के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के इनपुट की बुनियाद पर जनवरी में गिरफ्तार किया था। इल्ज़ाम है कि फौज का यह रिटायर्ड जवान कराची की एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साल 2016 से काम कर रहा था। यूपी के ATS ने एक दिगर मुलजिम को गोधरा गुजरात से गिरफ्तार किया था।